डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पिछले क्लास में ब्यूना एंड रबर के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम लोग टॉपिक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ब्यूना एस रबर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्यूना एस रबर आखिर का निर्माण आखिर किससे किसके किसके मिलने से होता है। तो चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए यह ब्यूटाडाइन तथा अस्ट्राइरिन का बहुलक है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ब्यूना एस रबर जो है ये किसका किसका बहुलक है, तो ब्यूटाडाइन और अस्ट्राइरिन, ये दोनों को मिलाने से ब्यूना एस रबर का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, अर्थार्थ में करके लिखेंगे, अर्थार्थ उसके नीचे कि ब्यूटाडाइन का फार्मूला। तो ब्यूटाडाइन का फार्मूला हम लोग पिछले दिन पढ़ा था कि ब्यूटा स्पेशल सिर्फ और सिर्फ ब्यूटाडाइन रहेगा ना, तो ब्यूना एन रबर बनेगा, लेकिन ब्यूटाडाइन और अस्ट्राइरिन दोनों रहेगा तो ये दोनों के मिलने से ब्यूना एस रबर मिलता है। जैसे ब्यूटाडाइन के बारे में हम लोग सीखा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ब्यूटाडाइन। इसका कितना एटम रहेगा, इसका N एटम रहेगा यानी कि N ठो, और इसके साथ अस्ट्राइरिन। तो अस्ट्राइरिन किसको कहते हैं, ये हम लोगों का हो गया ब्यूटाडाइन, और अस्ट्राइरिन किसको कहेंगे, तो बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। इससे अगर ये अस्ट्राइरिन, ये रहा हम लोगों को अस्ट्राइरिन, ये अस्ट्राइरिन रहा, अगर ये अस्ट्राइरिन एन एटम्स रहेंगे तब हम बोलेंगे कि हम लोगों को ब्यूना एस रबर मिलता है। अब ब्यूना एस रबर, मेरे पास इधर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH2 ऐसा एन टर्म्स जुड़ जाएंगे, और इस CH से वो जो हम लोगों का बेंजीन रिंग है वो जुड़ा हुआ रह जाएगा। ये हम लोगों को टोटल कहलाएगा ब्यूना एस रबर। तो याद रखिएगा कि ब्यूटाडाइन ब्यूना एस किसका किसका बहुलक है, या किसका बहुलक है, तो ब्यूटाडाइन और अस्ट्राइरिन, ये दोनों आपस में एन एटम्स जुड़ेंगे। एन बोले तो 11,000 से 20,000 इनकी संख्या रहेगा, तब जाकर ये ब्यूना एस रबर की बनेगी, ब्यूना एस रबर बनेगा। यानी कि इस अर्थार्थ में करके आप लिख लीजिए कि आखिर कैसे ब्यूटाडाइन और अस्ट्राइरिन दोनों आपस में मिलते हैं तब ब्यूना एस का निर्माण होता है, यही ब्यूना एस रबर है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ब्यूना एन रबर के बारे में पढ़ा था कि ब्यूना एन रबर क्या था भाई, तो ब्यूना एन रबर उसको कह रहे थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्यूटाडाइन का बहुलक हो रहा था। तो सिर्फ ब्यूटाडाइन का बहुलक होगा तब हम उसको कहेंगे ब्यूना एन रबर, लेकिन अगर ब्यूटाडाइन और अस्ट्राइरिन दोनों रहेगा तो बनेगा ब्यूना एस रबर। तो यही इसमें याद रखिएगा कि ब्यूना एस रबर जो है किसका बहुलक है, तो ब्यूटाडाइन का और अस्ट्राइरिन का। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक करते हैं संश्लेषित बहुलक। ये टॉपिक बनाया जाए संश्लेषित बहुलक, ठीक है। अब संश्लेषित बहुलक टॉपिक्स बनाएंगे, लिखेंगे वैसे बहुलक जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाता है।
संश्लेषित बहुलक कहलाता है। याद रखिए, संश्लेषित बहुलक किसको कहेंगे? वैसा बहुलक जिसको कहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अगर हम लोग बनाते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? संश्लेषित बहुलक। जैसे अब किसको किसको हम लोग संश्लेषित बहुलक में रखते हैं, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो पी से हो गया पॉली, वी से होगा विनाइल, विनाइल वी आई एन वाई एल विनाइल, सी से हो गया क्लोराइड। ठीक है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म पॉली विनाइल क्लोराइड। तो याद रखिएगा, संश्लेषित बहुलक कहते किसको हैं? तो वैसा बहुलक जिसको हम लोग प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, बनाते हैं, तब हम उसको संश्लेषित बहुलक कहेंगे। जैसे मैं पीवीसी, पीवीसी बोले तो पॉली विनाइल क्लोराइड कॉमा टेफ्लोन, टेफ्लोन, टेफ्लोन कॉमा नायलोन, नायलोन आदि। यानी कि संश्लेषित बहुलक का उदाहरण कौन कौन सा हुआ? तो याद रखिएगा, इसका उदाहरण पीवीसी हो गया, टेफ्लोन, नायलोन, ये सब कहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशाला में। जिस बहुलक को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है उसको हम लोग संश्लेषित बहुलक कहते हैं। अब उसके नेक्स्ट एरो लिखेंगे, नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला योगशील बहुलक, योगशील बहुलक, योगशील बहुलक, और दूसरा का नाम है संघनन बहुलक। योगशील बहुलक और दूसरा का नाम है संघनन बहुलक, ठीक है। यानी कि संश्लेषित बहुलक को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, योगशील बहुलक और संघनन बहुलक। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे टॉपिक्स जिसका नाम है योगशील बहुलक। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे। ये नहीं है योगशील बहुलक, योगशील बहुलक। तो अब टॉपिक्स बनाएंगे हम लोग योगशील बहुलक की। योगशील बहुलक क्या है इसके बारे में टॉपिक्स बनाकर फर्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए, वैसे बहुलक जिसमें द्विबंधन युक्त, द्विबंधन युक्त प्रकार के यौगिक भाग लेते हों, द्विबंधन युक्त प्रकार के यौगिक भाग लेते हों, उन्हें योगशील बहुलक कहा जाता है, उन्हें योगशील बहुलक कहा जाता है, उन्हें योगशील बहुलक कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि आखिर योगशील बहुलक किसको कहते हैं। ऐसा बहुलक जो हमेशा डबल बॉन्ड वाला यौगिक भाग लेता है, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग कहेंगे योगशील बहुलक। जैसे कि इसका रूल्स है तो उसके नीचे लिखिएगा रूल, क्या रूल है? तो CH2 डबल बॉन्ड CHX, यही है रूल, यही इसी फॉर्म में होता है योगशील बहुलक। यानी कि ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन अब लग रहा होगा कि X क्या है, तो X के जगह पे क्या क्या जुड़ सकता है? तो X के जगह पे हाइड्रोजन हो सकता है, X के जगह पे R हो सकता है, R मतलब तो जानते हैं कार्बन का चैन ढेर सारा। अच्छा, इस कार्बन X के जगह पे COR हो सकता है, इस कार्बन के जगह पे CN हो सकता है, इस कार्बन के जगह पे हैलोजन हो सकता है। हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो कुल मिलाकर यही रूल्स है, यानी ऐसा बहुलक जिसमें द्विबंधन युक्त प्रकार के यौगिक भाग लेते हैं
उसको हम लोग योगसिल बहुलक कहते हैं। तो द्विबंधन का मतलब डबल बॉन्ड, देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, तो इसको हम लोग कहेंगे योगसिल बहुलक CH2CHX। एक्स की जगह पे हाइड्रोजन भी रह सकता है, आर भी रह सकता है, COR भी रह सकता है, CN भी रह सकता है, हैलोजन भी रह सकता है। तो कुल मिलाकर इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में रहता है तब हम उसको कहते हैं योगसिल बहुलक। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लिया कि CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम लोग कहते हैं अगर N एटम्स बनाएंगे, N का मतलब नंबर, ऐसा ऐसा कितना नंबर, तो 11,000 से 20,000, इसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, एथीन। ये क्या है, एथीन है। और जब ऐसा ऐसा N एटम्स आपस में जुड़ेंगे तब ये बन जाता है हम लोगों का CH2 CH2, और ऐसा ऐसा बन जाता है कितना, इन गो जब आपस में जुड़ते हैं तब इसको कहते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एथीन के ही बनने से पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एथीन अनेक प्रकार के अणु या कण एथीन आपस में जुड़ेंगे तब किसका निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का। इसका मतलब हम बोलेंगे कि पॉलीथीन का बहुलक कौन हुआ, एथीन, क्योंकि पॉलीथीन कैसे बन रहा है, तो एथीन से बन रहा है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल के नीचे एरो देंगे, जो एग्जाम्पल पहला लिख लेना है पहले, उसके पहला एग्जाम्पल लिख कर और उसके नीचे एरो देंगे। लिखा जाए एरो देके अर्थार्थ, अर्थार्थ कॉमा, अर्थार्थ देखिए कॉमा, एथीन के अनेक अणु, एथीन के अनेक अणु आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। अतः पॉलीथीन का बहुलक, अतः पॉलीथीन का बहुलक एथीन है। पॉलीथीन का बहुलक क्या है, एथीन है। वही बात लिखे जो अभी हम लोग समझे हैं कि एथीन के अनेक प्रकार के अणु आपस में जुड़ेंगे तब पॉलीथीन बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीथीन का बहुलक कौन है, एथीन है। चलिए तो ये एग्जाम्पल कौन था, फर्स्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, मान लिया जाए इस एक्स के जगह पे कार्बन को चैन को जोड़ देते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और ऐसा ऐसा एटम एन गो जोड़ा जा रहा है। एन गो मतलब एन क्या सूचित कर रहा है कि 11,000 से 20,000 ये वाला अणु है, और इस अणु का नाम क्या है, तो तीन कार्बन का चैन है ना, मेथ एथ प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम बोलेंगे प्रोपीन। और जब इसको हम लोग ऐसा ऐसा एन एटम जब आपस में जोड़ देंगे तब इसका निर्माण कैसे होगा, जरा देखिए। तो CH2 CH और ऊपर है CH3, ऐसा ऐसा कितना अणु बनेगा, एन अणु बनेगा। यानी कि ये दिखा रहा है कि आपस में सभी एन जो प्रोपीन है आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे डिनोट्स करते हैं। और इसको प्रोपीन है तो इससे बनेगा पॉलीप्रोपीन, इससे बनेगा पॉलीप्रोपीन, ठीक है। अर्थार्थ पॉलीप्रोपीन का एक बहुलक, अर्थार्थ पॉलीप्रोपीन का एक बहुलक प्रोपीन है, याद रखिएगा पॉलीप्रोपीन का एक बहुलक प्रोपीन है, ठीक है। और इसी के नीचे एक और एरो देकर लिखेंगे, इसका उपयोग पॉलीथीन के स्थान पर किया जाता है, किसका उपयोग, पॉलीप्रोपीन जो है ना,
इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसका उपयोग पॉलिथीन की जगह पे यानी कि प्लास्टिक के जगह पे भी यूज किया जाता है। तो लिखेंगे अर्थात के नीचे एरो देकर इसका उपयोग पॉलिथीन के स्थान पर किया जाता है, हालांकि यह पॉलिथीन से काफ़ी मजबूत होता है तथा हल्का होता है, अतः इसका उपयोग दरिया दरिया कौमा बोतल कौमा पाइप तथा खिलौना बनाने में होता है जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो अभी हम लोग देखें कि एथीन से पॉलीथीन भी बन रहा है, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बन रहा है, लेकिन अगर बात करें हम लोग बनने का, तो पॉलीप्रीन को हम लोग प्लास्टिक के जगह पे पॉलीथीन के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मजबूती के आधार पर तो पॉलीथीन से ज़्यादा मजबूत है पॉलीप्रीन पॉलीप्रोपीन और हल्का भी है, इसलिए इससे हम लोग दरी बना सकते हैं, प्लास्टिक का दरी बोरा जिसको कह सकते हैं, वही नहीं बोतल बना सकते हैं, पाइप बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं। तो इसका उपयोग करके हम इन सारी वस्तुओं को बना सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन में सबसे ज़्यादा जो मजबूत है वो पॉलीप्रोपीन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका हम लोग दो एग्जाम्पल्स किए योक्सिल बहुलक का, एक और एग्जाम्पल है थर्ड, तो इस एग्जाम्पल को दोस्त हम करेंगे अगले दिन। तो थर्ड एग्जाम्पल याद हमें खुद रहेगा कि कहाँ तक के पढ़ाए हैं, इसलिए यहाँ थर्ड पॉइंट्स दे दिए हैं। एग्जाम्पल का तीसरा हम लोगों को करना है। तो दोस्तों आज यहाँ तक विदा लेते हैं, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल के थर्ड पॉइंट्स से पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।